हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट विद राघवेंद्र। आज हम बात करेंगे बैकफुट डिफेंस, कैसे हम बैकफुट डिफेंस करते हैं। जनरली मैच में देखते होंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर कितने अच्छे तरीके से अपना क्रीज का यूज करते हैं और बैकफुट डिफेंस को करते हैं। ठीक है, उस स्किल के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो सिलेक्शन ऑफ द बॉल को चूज करना है वो हमेशा गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे रखना है। ठीक है, जो बॉल की हाइट रखना है वो वेस्ट हाइट से थोड़ा सा ऊपर रहेगी। ठीक है, उस बॉल को हमें बैकफुट डिफेंस करना है। सेकंड आता है हमारा फुटवर्क, कि हमें फुटवर्क निकालना कैसे है। थर्ड आता है डाउन स्विंग एंड इम्पैक्ट, कि हमें बैट रखना कहाँ पे है, कहाँ पे इम्पैक्ट करना है, एल्बो कितना हाई रखना है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बॉल को चूज करना है कि बॉल कौन सा रहेगा। हमेशा बॉल गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे को चूज करना है। ठीक है, पिचिंग ऑन ऑफ स्टंप पे अभी। उसके बाद हमारा था फुटवर्क। फुटवर्क हमें हमेशा जाना है बैक एंड क्रॉस, हमेशा आपको बैक एंड क्रॉस जाना है। बॉडी थोड़ा सा डाउन रहेगी, बॉल का जो बाउंस है उसको देखते हुए बॉडी पीछे जाएगी। जो फर्स्ट लैंडिंग हमारे बैकफुट की होगी हमेशा हील पे होगी। ठीक है, बॉडी थोड़ा सा डाउन और बैट ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डाउन स्विंग। जैसे हमारा डाउन स्विंग स्टार्ट होगा, हमारा बॉडी वेट क्या होगा, फ्रंट फुट से बैक फुट पे ट्रांसफर हो जाएगा ये। ठीक है, आपको हमेशा जो इम्पैक्ट करना है अपने बॉडी के पास, यहाँ से ये जो आपकी पीछे वाली थाई है, बैक फुट थाई, उसके आगे बैट को रखना है। आपका एल्बो एकदम हाई हो जाएगा, हेड स्टिल रहेगा इस तरीके से, और आपकी जो बॉडी है वो साइड ऑन रखनी है। आपका जो दोनों पैर का जो टो है हमेशा पॉइंट की तरफ लीड करेगा इस तरीके से ये। ठीक है, आपका एल्बो हाई हो जाएगा, आपको हमेशा टो पे आके करना है बैकफुट डिफेंस ये। ठीक है, आपको इसमें ध्यान देना है कि जब आप पीछे बैक एंड क्रॉस जाओगे हमेशा बॉल का जो बाउंस है उसको देखते हुए पीछे जाना है। ठीक है, जब आप डिफेंस करोगे तो हमेशा कोशिश करना है कि आपका जो बैट है हमेशा बैकफुट थाई से थोड़ा सा आगे आए। अगर बॉल मूव करता है, स्विंग करता है, तो आप बैट को इजीली यहाँ से हटा लोगे। ठीक है, आपको ध्यान देना कि आपका एल्बो हमेशा हाई रखना है, एल्बो लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको टो पे आगे करना है ये। अगर आप पूरे फुट पे आके करते हो तो हमेशा आपका बैलेंस गिरेगा, आपकी बॉडी पीछे को जाएगी, कभी इधर को गिरेगी। ठीक है, तो ऐसी स्किल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्रिकेट विद राघवेंद्र। ओके, आप जब बैकफुट बैक एंड क्रॉस जाएंगे हमेशा याद रखना है आपको ऑफ स्टंप की तरफ जाना है। ठीक है, जिससे कि हम बॉल की लाइन को जाके कवर कर सके। अगर आप पीछे भागते हैं तो आप बॉल की लाइन से दूर हो जाएंगे, जिससे कि एज लग के आउट होने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।